मंत्री केजरीवाल को दिए हैं? देखिएगा, मैं कल से इंतजार कर रहा था कि कितना कपिल जी झूठ बोल सकते हैं, सारे को देख लें। इंतहा हो चुकी है झूठ बोलने की, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फ्राइडे 5 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी के घर नहीं गया, और जिसको तरह तरह से कंफर्म किया जा सकता है, हर तरीके से कंफर्म हो सकता है, पता कर लीजिएगा। जब मैं वहाँ गया ही नहीं तो पैसे के लेन देन का सवाल ही नहीं उठता, और मैंने मूर्खता की हर दर्जे की मूर्खता है। अरे बीजेपी वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, महीनों से पड़े हुए हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, कितने सारे केस बना दिए हैं, एक और बना लेते हैं, एक झूठो बना लेते हैं, शायद लोगों को लगता है ये 10 केस थे, एक और 11 में बन गया। अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं, अरे जिनकी ईमानदारी की वजह से हम अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, जिनकी वजह से ये कहते हैं इस देश के अंदर हजारों लाखों कार्यकर्ता अपने सब जीवन छोड़ के इस राजनीति में इस समर के अंदर उतरे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, उससे पहले मैं कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर आया था, उनसे मैंने पूछा था कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी को जानते हो? कहते हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। मैंने कहीं पैसे वैसे लेते हैं नहीं लेते हैं? कहते अकेला आदमी डिपार्टमेंट में जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, उसकी ऐसी रेपुटेशन है, तभी अपनी जिंदगी उसके पीछे लगाई थी, ऐसे आदमी नहीं है। अपने अपनी जिंदगी जिसके पीछे लगाई है उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, और उस आदमी ने आज तक ना कोई बेईमानी की है, ना बेईमानी की कोई बात भी नहीं की है। और जो कपिल मिश्रा ने जिस तरह की बातें की हैं, शर्मनाक है। आज जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साडू के लिए उनको घिन आनी चाहिए, जिस आदमी की आज डेथ हुई है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की राजनीति करते हैं। मैं वहां पर गया हूं डेथ के अंदर, वहां पर कुछ मीडिया वाले आके वहां पर क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था शाम को यही बात होगी, तो क्या बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, किसी तरह की किसी भी डील के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ कपिल मिश्रा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अनशंट कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे लैंड डील की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैंने, आपने उनको कहा कि लैंड डील के बारे में 50 करोड़ की डील जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपके सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी कपिल मिश्रा से कोई बात ही, जब डील ही नहीं हुई तो बात क्या होगी, कोई डील नहीं हुई, किसी तरह की कोई काम नहीं हुआ इस तरह का, और वो बदनाम करने के लिए, अरे कम से कम मरने वालों को तो छोड़ दो। जैन साहब, लेकिन जिस तरीके के आरोप आपके साथी लगा रहे हैं, कुछ पेपर तो दो ना, कुछ दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाओ। मैंने आपको बताया ना, मैं अरविंद जी के घर ही नहीं गया, वो कहते अरविंद जी को पैसे दिया है। जो इंसान दुनिया में नहीं रहा उसके ऊपर आरोप लगाए जाओ, आप कुछ भी लगा दो कि उन्होंने 50 करोड़ की डील करी थी, 1000 करोड़ की डील करी थी, कल तो कल तक 5000 करोड़ कर देंगे। कुछ कागज वो कह रहे हैं कि मैं सीबीआई को दूंगा, वो कह रहे हैं मैं ईसीबी को दूंगा, और इसमें साफ तो फिर सीबीआई को दे देते ना, फिर आपके पास आने की जरूरत क्या थी? अगर वो आपके पास आए तो बदनाम करने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आप ये कुछ भी कर लें, इससे डिस्क्रेडिट होने वाले नहीं।